तो दोस्तों आज हमारे पास है कूल पैड कूल सिक्स और हम करने वाले हैं उसका रिव्यू चाय के साथ। और हमारे पास चाय ही नहीं सिर्फ भजी भी है। जी हाँ, रेनी सीजन है, हमने कहा आउटडोर शूटिंग करेंगे आज, थोड़ा रिव्यू करेंगे आपके लिए, लेकिन बारिश आ रही है तो हमें हमारे कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम था, बारिश गिर रही थी, तो हमने कहा चलो यार चाय और भजी खाते हुए आपके साथ रिव्यू करेंगे हम। तो देखते रहिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की तरफ। इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, जो हमने दो दिन इस्तेमाल किया, एक दो बार नीचे गिरा भी हमारे हाथ से, जी हाँ, और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एट 177 ग्राम्स थोड़ा हैवी है, लेकिन हाथ में बड़ा अच्छा लगता है। स्लिप होने ऐसा लगता है कि स्लिप होगा, अगर आपके हाथ बड़े हैं तो लगेगा नहीं, लेकिन थोड़े छोटे एवरेज हाथ हो गए तो आपको लगेगा कि ये स्लिप करेगा, क्योंकि साइज़ में थोड़ा बड़ा है। इसका एक एडवांटेज है, इसका जो टॉप पोर्शन है, साइड्स हैं, ये थोड़ा रेज्ड लिप है, तो अगर आप फ़ोन को ऐसे भी रखेंगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, एंड जैसे मैंने कहा थोड़ा हैवी है, बट ओवरऑल क्वाइट गुड। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। इसका जो स्क्रीन है वो 5.5 इंच फुल HD स्क्रीन है। ओवरऑल अगेन हमने जो दो दिन इस्तेमाल किया हमें बहुत अच्छा लगा। सनलाइट में थोड़ा कम दिखता है ओवरऑल, बट आई थिंक फॉर अ प्राइस ऑफ 15,000 फुल HD 5.5 इंच स्क्रीन इज वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इसके पावर की तरफ। दोस्तों ये पावरफुल है या नहीं, जी हाँ, 653 क्वालकॉम का प्रोसेसर है इसका, इसका मतलब बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये हीट होता है क्या गेमिंग करते समय। हमने कंटिन्यूसली 20-25 मिनट्स तक गेम्स खेले उसके ऊपर, हैवी टू एवरेज गेम्स खेले, और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। इसका मतलब जो 650-652 के साथ प्रॉब्लम था वो इसके साथ नहीं है। जी हाँ, ये वार्म हुआ जब हम चार्जिंग कर रहे थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ। तो ओवरऑल आई थिंक 653 प्रोसेसर जो है बहुत अच्छा है, ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो उसका प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों 653 प्रोसेसर के साथ इसमें आता है 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी नहीं है। इसका मतलब 64GB के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको एक्सटेंड करना ही है तो इसमें OTG सपोर्ट है, आप OTG के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट फीजिबल। तो इसमें डुअल नैनो सिम है, एक्सटेंशन नहीं है, हाइब्रिड स्लॉट भी नहीं है, सो नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग द स्टोरेज ऑन दिस फोन। चलिए जानते इसका सॉफ्टवेयर कैसा है। तो इसमें जो है एंड्रॉयड 7.0 नुगाट आता है। जर्नी UI ये फर्स्ट वर्जन है कूलपैड के खुद के जो लॉन्चर या फिर जो UI है उसका, जर्नी UI कहते हैं। ओवरऑल प्रीटी सेटिस्फाइड, फास्ट है, लैग्स बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें ऐप ड्रॉवर नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो जर्नी UI इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर कूलपैड, इन्होंने इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। बेयर बोन्स है, बेसिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ज़्यादा उसके ऊपर ब्लोटवेयर नहीं है या फिर ज़्यादा लैग नहीं होता है तो स्लो नहीं है, सो दैट आई विल गिव इट अ प्लस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। इसकी बैटरी है 4060mAh बैटरी है और बहुत अच्छी चलती है। जी हाँ, मॉडरेट यूजेस में डेढ़ दिन तो आराम से चलेगी। हम तो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे थे, फिर भी हमें पूरा दिन शाम तक इसकी बैटरी कंटिन्यूसली चली। बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी पूछा कि गेमिंग कैसा है इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा है। हमने एसफाल्ट खेला, नोवा खेला नहीं इसके ऊपर, नीड फॉर स्पीड खेला, प्लस रेगुलर गेम्स जो थे टेंपल रन या फिर कैंडी क्रश और वो सब भी खेले, हमें एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि फ़ोन स्लो डाउन हुआ। कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स हुए रेसिंग गेम में, लेकिन बहुत ही कम, आपको वो नोटिस भी नहीं होगा। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वैसे भी 653 जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, वैसे ही ये जो फ़ोन है गेमिंग के लिए डेफिनेटली, अगर आप गेमिंग के लिए मिड रेंज का फ़ोन देख रहे हैं तो कूलपैड कूल सिक्स डेफिनेटली बहुत अच्छा है। चलिए ऑडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो स्पीकर है बहुत ही क्लियर है, बट कम आवाज़ है। जी हाँ, अगर आप स्पीकर फोन वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या फिर स्पीकर पे रख के म्यूज़िक सुनते हो तो शायद ज़्यादा दूर रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन डेफिनेटली ऑडियो क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है इस फ़ोन की।
दूसरी बात, जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका हाथ इधर होता है उसकी वजह से, और ऑडियो का जो ग्रिल्स है वो इधर होने की वजह से अगर आप हाथ उसके ऊपर चले जाए तो साउंड मफल हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक बात आप ऑडियो के बारे में याद रखिए। दोस्तों इसमें एक यूनिक फीचर है ड्यूअल एप्स नाम का। क्या होता है, आपको अगर व्हाट्सएप के ही दो वर्जन इस्तेमाल करने होंगे, दो आपके ईमेल एड्रेस या दो ड्यूअल सिम होगा, दो नंबर इस्तेमाल करने होंगे, तो आप इनबिल्ट इस फोन पे यूज कर सकते हैं। वैसे ही फेसबुक का भी है, दो अकाउंट्स आप एक ही फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर है, शायद वो जर्नी यूआई में इनबिल्ट है, तो ये एक फीचर के बारे में आप याद रखिए। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा चलता है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत फास्ट है, लेकिन हमें एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि वो नहीं चलेगा। एवरी टाइम हमने इधर स्क्रीन पे रखा वो चालू हुआ, कभी भी मिस नहीं हुआ। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर सेंसर बहुत ही अच्छा है कूलपैड कूल 6 पर। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें मीटर्ड हॉटस्पॉट का। ये मीटर्ड हॉटस्पॉट यानी कि अगर आप किसी आपके दोस्त को इंटरनेट दे रहे हैं हॉटस्पॉट चालू करके आपके फ़ोन के ऊपर से, तो आपको मीटर कर सकते हैं उसको, आप बोल सकते हैं कि भाई इसको सिर्फ 100 MB दो या फिर सिर्फ आधे घंटे के लिए दो। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर लगा, पहले हमें पता नहीं चला लेकिन बाद में जब हमने देखा और, तो मीटर्ड हॉटस्पॉट का जो फीचर था वो बहुत अच्छा लगा हमें। फाइनली बढ़ते हैं इसके कैमरे की तरफ, कैसा है इसका कैमरा। 13 MP डुअल कैमरा है, 13 MP प्लस 13 MP डुअल कैमरा है। और अगेन हमारा जो हमने जो फोटो क्लिक किए वीडियो क्लिक्स किए ओवरऑल हमें बहुत ही डिसेंट लगा। 15,000 का फ़ोन है, ये बात याद रखिए, फ्लैगशिप लेवल के साथ कम्पीट कर रहा है। लेकिन जो इसके कैमरा कैप्चर्स थे बहुत ही अच्छे थे, दिन डे लाइट में तो डेफिनेटली पंची कलर्स आए, शार्पनेस भी बहुत अच्छा था, इसका जो बोके इफेक्ट है वो भी अच्छा है। इसमें SLR नाम का एक फीचर है जो आपको एवरीथिंग मैन्युअली कर सकते हैं, तो आपको एपरेचर स्टॉप चेंज करना है या शटर स्पीड चेंज करना है तो सब कुछ आप इसमें SLR मोड में कर सकते हैं, जैसे SLR में कर सकते हैं डिजिटल SLR में, वैसे इस फ़ोन पर भी कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा मोनोक्रोम फीचर है, मैंने बहुत सारे मोनोक्रोम फीचर तो बहुत सारे फ़ोन्स में होते हैं लेकिन इसका जो है बहुत अच्छे कैप्चर्स आए, लिटरली आर्टिस्टिक कैप्चर्स आए। तो मोनोक्रोम फीचर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास कूलपैड कूल 6 है तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं। दोस्तों सेल्फी कैमरा भी अच्छा है, आई विल से इट इज़ गुड। वंस अगेन 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, f2.0 है, अच्छे आते हैं। ब्यूटी मोड भी चलता है, बहुत अच्छी तरह से चलता है, लेकिन रेयर कैमरा जो है डुअल कैमरा है, डिसेंट है। उसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो मोनोक्रोम है, इसीलिए मोनोक्रोम फोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं डेप्थ की इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए। तो इन दिस रेंज, 15,000 की रेंज में इट्स अ वेरी गुड कैमरा इन माई व्यू। दोस्तों इसमें 4K वीडियोज भी कैप्चर कर सकते हैं आप, 4K 1080 720p, प्लस इसमें स्लो मोशन है और बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी अवेलेबल है, HDR मोड है, और सब हमने ट्राई किए। ओवरऑल वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द वे द वीडियो एंड द फोटोज परफॉर्म्ड ऑन कूलपैड कूल प्ले 6। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू, लेकिन मैं दो सवालों के जवाब दूंगा। क्या मैं रिकमेंड करता हूँ इस फोन को? जी हाँ जरूर, 15,000 के रेंज में आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑलराउंड फोन। दूसरी बात, लेनोवो K8 नोट के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो जस्ट बिकॉज इट हैज 6GB रैम और 653 का जो प्रोसेसर है वो होने की वजह से मैं इसको ज्यादा मार्क्स दूंगा। दोनों के प्राइजेस सेम ही है 15,000, बट ये जो कूल पैड है इसका बैटरी, इसका प्रोसेसर, इसका रैम, इसका स्टोरेज, ओवरऑल इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑलराउंड पैकेज मेरे हिसाब से। तो 15,000 के रेंज में अगर आप बाय करने वाले एक स्मार्टफोन तो इसे ज़रूर देखिएगा आप, कूलपैड कूल प्ले 6। तो दोस्तों लास्ट बजी रह गई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछिएगा। अगले वक्त तक के लिए।